हेलो एवरीवन, दिस इज त्याशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है और आज के वीडियो में जो जॉब वैकेंसी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक बहुत ही वेल नोन ई-कॉमर्स कंपनी की तरफ से है और इस कंपनी में इससे पहले भी बहुत सारे लोग हायर हुए हैं। इसके बहुत ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज निकले थे एट अ सर्टेन टाइम और मैंने अपने इस चैनल पर बताया भी था। सो येस, दैट पर्टिकुलर कंपनी इज बैक विद ऑल ओवर न्यू वैकेंसीज वंस अगेन और जो कंपनी अभी हायर कर रही है वो है फ्लिपकार्ट। येस, सो फ्लिपकार्ट इज बैक विद अ ह्यूज रेंज ऑफ हायरिंग्स करेंटली, बट ये मैन इंडिया हायरिंग्स नहीं है, स्पेसिफिक कुछ सिटीज एंड स्टेट्स में ही इसके हायरिंग्स हो रहे हैं। तो मैं उसी के बारे में इस वीडियो में आप लोगों के साथ आज बात करने वाली हूँ। सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पर, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज सून एज पॉसिबल। विदाउट डिलेइंग एनी मोर, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लिपकार्ट इज अ वेरी वेल नोन ई-कॉमर्स कंपनी, इसके बहुत सारे वैकेंसीज पहले भी निकल चुके हैं और बहुत सारे लोगों को चांस मिला है और फिर से इसके बहुत सारे वैकेंसीज निकले हैं, बट अभी के लिए ये कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स या स्पेसिफिक सिटीज में ही अवेलेबल है और जो स्टेट्स और सिटीज में ये अभी हायर कर रहे हैं वो स्टेट और सिटी है इंदौर मध्य प्रदेश, मोहाली पंजाब, चंडीगढ़ भोपाल मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान। यही कुछ प्लेसेस है जहाँ पे अभी के लिए फ्लिपकार्ट हायरिंग चल रही है और ये टोटली वर्क फ्रॉम होम है टिल द पैंडेमिक सिचुएशन इज देयर। इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब एट ऑल, परमानेंट जॉब है तो आप लोग इजीली जाके अप्लाई कर सकते हैं। इनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का टाइम नहीं रहेगा इस बार। नाउ कमिंग टू द बेसिक क्राइटेरियाज, हु आर कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। अभी एक्सपीरियंस्ड के लिए एक एडवांटेज होगा, अगर उनके पास 6 मंथ्स का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है दे हैव अ रियली गुड एडवांटेज क्योंकि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। और फ्रेशर्स भी हायर होंगे बट उनके हायरिंग क्राइटेरियाज थोड़े अलग होंगे। उनके हायरिंग क्राइटेरियाज डिपेंड करेंगे उनका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है एंड हाउ इजीली दे कैन ग्रैब अप थिंग्स। नाउ कमिंग टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सो फिलहाल के लिए एनी वन हु हैव कम्प्लीटेड क्लास 12 और कम्प्लीटेड द ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कैन ईजीली अप्लाई फॉर दिस जॉब। बट अगर आप लोग इस वक्त कोई भी कोर्स कर रहे हो या फिर आपका ग्रेजुएशन कंटिन्यू हो रहा है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों को कोई भी लीव या कोई भी हॉलीडे नहीं मिलेगा टू अपीयर फॉर योर एग्जाम्स और टू अपीयर फॉर योर क्लासेज एंड एवरीथिंग। तो अगर आप लोग कोई भी कोर्स कर रहे हो या फिर आप लोग ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर रहे हो, आपका ग्रेजुएशन खत्म नहीं हुआ है अभी तक, यू ऑल आर नॉट एट ऑल एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ओनली पीपल हु हैव कंप्लीटेड क्लास 12 एंड नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ कोर्सेज और जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी कोर्स नहीं कर रहे, दे ऑल आर ओनली एलिजिबल फॉर दिस जॉब। Coming to the age criteria, so basically people who are 18 and above the age of 18 are eligible to apply for this job. You all can easily apply in this particular job vacancy. Now coming to the basic requirements, आपको क्या-क्या लगेगा इस जॉब में अप्लाई करने के लिए? So basically you need a laptop, you need a broadband connection, you need a power backup and noise cancellation earphones. तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये वॉइस प्रोसेस है या फिर नॉन वॉइस प्रोसेस है, यहाँ पे ब्लेंडेड प्रोसेस भी अवेलेबल हो सकता है, बट जो भी हो एक नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन इज वेरी मच मैंडेटरी व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ फ्लिपकार्ट जॉब क्योंकि मैक्सिमम टाइम उनका वॉइस प्रोसेस ही अवेलेबल रहता है, नहीं तो उनका ब्लेंडेड प्रोसेस अवेलेबल रहता है, नॉन वॉइस प्रोसेस ज़्यादातर फ्लिपकार्ट में अवेलेबल नहीं रहता है। Now coming to the salary package, so their basic salary ranging is from 12,000 to 15,000 in hand salary. तो 12,000 है freshers के लिए and experience के लिए वो 15,000 है, तो but ये फिर भी depend करेगा क्योंकि आप कौन सी consultancy से hire हो रहे हो या फिर direct hire हो रहे हो। जनरली फ्लिपकार्ट में डायरेक्ट हायरिंग नहीं होता है, उनका कंसल्टेंसी ही हायर करता है, दे ऑल गिव देयर प्रोजेक्ट्स टू डिफरेंट कंसल्टेंसीज। तो आप जिस भी कंसल्टेंसी से हायर हो रहे हो वो कंसल्टेंसी आपको क्या रेंजिंग देता है वो डिपेंड करता है। सो द सैलरी दैट आई एम मेंशनिंग इन माय वीडियो इज नॉट द फिक्स्ड सैलरी और नॉट द एप्रोप्रिएट सैलरी, दिस सैलरी मे वेरी बिकॉज वो प्लेस टू प्लेस कंसल्टेंसी टू कंसल्टेंसी डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टू द ट्रेनिंग पीरियड,
बेसिकली फ्लिपकार्ट में 30 डेज का ट्रेनिंग पीरियड अवेलेबल रहता है और आप जब 30 डे ट्रेनिंग करते हो तो आपका जो सैलरी है वो स्टाइपेंड अमाउंट में लिया जाता है और वो स्टाइपेंड अमाउंट 300 रुपीज़ पर डे होता है। ये स्टाइपेंड अमाउंट आपको तभी रिसीव होगा अगर आप 30 डे ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है उनका वो कंप्लीट करते हो, वो सक्सेसफुली क्रॉस करते हो। अगर आप सर्टिफिकेशन में किसी भी तरीके से फेल हो जाते हो तो आपको आपका स्टाइपेंड अमाउंट नहीं मिलता है। अगर आप पास हो जाते हो तभी आपको आपका स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है। आप लोगों को जब ऑफर लेटर दिया जाएगा वहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा सारे डिटेल्स, आपके सैलरी स्ट्रक्चर्स कैसे होगा, सब कुछ मेंशन रहेगा। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू प्रोसेस, सो बेसिकली देयर आर 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज। फर्स्टली देयर इज अ एचआर राउंड जहाँ पे एचआर सबको कॉल करते हैं, दे गेट टू नो अबाउट यू एंड दे प्रोसेस देयर प्रोफाइल फ्रॉम देयर साइड। Then you go for the typing test or the person test. अगर non-voice process होता है तो typing test होगा, अगर voice process होता है तो person test होगा। Person test cross करने के बाद होगा आपका operations round जहाँ पे senior HRs आपसे बात करेंगे and वो लोग देखेंगे आपका communication skills कैसा है, आप लोग कैसे answer देते हैं, आप लोग on spot problems कैसे sort out करते हैं and everything. And the fourth and the last round of interview is the client round जहाँ पे एक senior client Flipkart का कोई भी client आपसे बात करता है and they give you instant situations जहाँ पे आपको ये दिखाना होता है कि how you can handle the situation in a very proper way। अगर आप ये सारे rounds cross कर जाते हैं successfully तो ही आप hire होंगे। अगर in case यू आर अनेबल टू क्रॉस एनी वन राउंड तो आपका हायरिंग नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। और एक बार अगर आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो गया आप कमिंग 6 मंथ्स में फ्लिपकार्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका प्रोफाइल डुप्लीकेट माना जाएगा और वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा एंड देन उसके बाद आपको और 6 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। सो ऐसा करने से बेटर है कि आप अच्छे से इंटरव्यू दें। इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू पास द इंटरव्यू प्रोसेस प्लीज वेट फॉर 6 मंथ्स एंड देन गो एंड अप्लाई वंस अगेन। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और हेल्प करे। प्लीज टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।